देवास साजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सोमवार को पोलाई कला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी की अध्यक्षता में 10 लाख की लागत से होने वाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने सांसद को समस्याओं से अवगत करवाया तो उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में नहीं बोलूंगा, अगर राष्ट्रीय लेवल की कोई बात है तो बताएं। जबकि सांसद को ग्रामीणों द्वारा 2019 का फसल बीमा नहीं मिलने से भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बता रहे थे कि हमारी 2018-19 की प्रीमियम राशि तो हमारे बैंक खाते से काट ली गई, परंतु बीमा के एप्लीकेशन नंबर बैंक द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं और बैंक शाखा में हमसे बैंक कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुन सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया है। देखिए, जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उसी गति से व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ रही है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े, सरकार किसी की भी हो डीजल पेट्रोल के थोड़े से दाम बढ़ते जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस सरकार में यदि थोड़ा बहुत डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो उसके साथ में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। लोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार से संतुष्ट हैं। पोलियांकाला से सोहन मारेठिया की रिपोर्ट।